हमारा नाम जरनैल सिंह है। कहाँ से आए हैं? जलंधर, पंजाब से। कितने सालों से आ रहे हैं? हम 20 साल हो गए, 20 साल हो गए आते हैं। बाबा जी के लाड़ लगे, बाबा निरंजन दास जी जो रेख देख के उन्हों का काम चलता है, जो भी इसे सोमनाथ के नाल आए हुए हैं, लावलपुर तो सोमनाथ जी प्रधान है, जो टेंटा का जो भी सेवादार उन्होंने अंडर दे विच आ, जो भी वह सेवा कहेंगे सोमनाथ जी वही काम होगा। जिदन भी सोमनाथ घलेंगे असं उधर ही जाना है सारे ने। कोई भी कितने लोग आए हैं वहाँ से? उत्थे घट तो नहीं है, कोई काफ़ी लोग है। सोमनाथ के नाल 200-250 बंदा आया कल, तो वो सारे सेवादार या बीबिया भी है नाल, काफ़ी आ बीबिया, कोई 30-40 बीबी भी है नाल, बच्चे लोग है, सब काम करते हैं। आप लोग सेवादार? हाँ सेवादार है। हम मैं तो जो कोई काम होएगा, जो चलाएगा, जो लेने वाला वो जाके अभी उतो लैके इन्हों दे देना, इन्हों काम कर देना, इन्हें दसी जाना भी आ रोटी लैओ, आह लैओ, आह लैओ, असं ये काम करते हैं। बाकी पानी पूनी जो भी पीना पड़ेगा सब इनको देते हैं। तो बाकी हो रहा है जो भी सेवादार राखी या कोई जिम्मेवारी सारी समझते हैं, योजा कोई गलत नहीं। इतने काम होगा जो बाबा जी के लाड़े लगे हैं, कोई बंगाल से आता, कोई कहाँ से आता, कोई कहाँ से, सभी टेंट लगे हुए हैं, उत्थे ड्यूटी लग जानी है। हमारी प्रधान जी साढ़े आ गए, जो लिस्टा बना के ला देंगे सारिया आपो अपन ड्यूटियां, से सब लोग चले जाएंगे। कोई योजा नहीं आवाज़ नहीं किसी मारेंगे वो फलाने इस टाइम से कम तैयार नहीं, वो अपनी ड्यूटी देखेगा। एक तो जारी 8 रात को 9 सवेर 4 तो 1 आ, सभी आपो अपन ड्यूटियां देख के टाइम देख के आपो अपने टाइम से कम ते आ जाएंगे। रणवीर सिंह मैनेजर। रणवीर सिंह जी, किस तरह की तैयारी चल रही है और क्या है? तैयारी तो हमारी कंप्लीट हो गई है, टेंट वगैरह लग चुके हैं और जो सेवादार है हमारे 700-800 आ चुके हैं, 500 सेवादार आज पूरा आने वाले हैं, तो तैयारी तो कंप्लीट है। तो लगभग प्रतिदिन कितने सेवादार आ जा रहे हैं? प्रतिदिन 500-600 आ रहे हैं, कल को शायद 1000 के करीब आएंगे, तो इसी तरह लगभग 6000 के करीब सेवादार पंजाब से आएंगे। किस किस तरह की तैयारी चल रही है? हाँ जी, किस किस तरह की तैयारी चल रही है? लोगों को खिलाना है? वो तो तैयारी चल रही है, राशन ले आए हैं, सब कुछ पंजाब से आ गया, दालें दूलें जहाँ से लेंगे, तो तैयारी तो खूब चल रही है। तो महाराज जी यहाँ पे कितने तारीख को आ रहे हैं? महाराज जी 13 को चलेंगे उधर से स्पेशल गाड़ी में, तो 14 को जहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ पे जो सेवादार आ रहे हैं उनके लिए भी कोई स्पेशल ट्रेन से वो आ रहा है या कोई भी गाड़ी पकड़ के पहुँच जा रहा है? नहीं, वो स्पेशल ट्रेन से नहीं, जो आदमी जो आते हैं उधर से टिकटें बुक हो जाती है, तो हर गाड़ी में 100-200-400 आ जाते हैं। तो ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? एक जगह से आ रहे हैं या सारे जगह से? कहाँ कहाँ? नहीं, ये अलग अलग जगह से आ रहे हैं, बिहार से भी आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, हिमाचल से आ रहे हैं, पंजाब से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो क्या इनके लिए टेंट तैयार है, रहेंगे, ठहरने और खाने पीने की क्या किस तरह से व्यवस्था? खाने पीने की तो हमने की हुई है, पहले की हुई है, तो टेंट वगैरह लगे हैं उसमें रह जाएंगे, उन्होंने करनी आने की व्यवस्था ज़्यादा जो सेवादार रहेंगे। प्रशासन से किस तरह का सहयोग मिल रहा है? प्रशासन से बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, जो हम कहते हैं वो प्रशासन करता रहता है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।